हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है 12th ऑफ दिसंबर से लेके 18th ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ स्कल्स, Death, Five of Knives, Daughter of Skulls, Six of Scepters, Eight of Grails. ओके, तो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ के कार्ड के साथ आई थिंक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉइंट आने वाला है जहां पे आपको ये लगेगा कि आप फाइनली फ्री हो गए एक ऐसी सिचुएशन से जो आपको अभी तक बांधे हुई थी, मगर आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां आपको वो वैल्यू मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, या जैसे आपको ट्रीट किया जाना चाहिए था वैसे ये पर्सन अगर आपको ट्रीट नहीं कर रहा था, और तब भी आप इमोशनली अटैच होने के कारण इस रिलेशनशिप में थे। तो ये वीक आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। ये वीक आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएगा। यहाँ पे है फाइव ऑफ नाइव्स है हेल्पलेसनेस के बारे में। शायद आपको इस वीक में बिल्कुल ही हेल्पलेस फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात को समझता नहीं, भले ही आपके आसपास हजार लोग हों। टेन ऑफ स्कल्स के साथ अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है और बहुत सारा अटेंशन आपको मिलेगा एंड आप अपने वर्थ को फिर से पहचानेंगे। शायद इस पर्सन ने आपको ये फील करवाया इस रिलेशनशिप में कि उनके सिवाय आपको कोई पसंद नहीं करेगा, या कह सकते हैं कि उनसे बेहतर आपको कोई पसंद नहीं करेगा, और वो स्पेशल है एंड आपको उन्हें और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हर मैटर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हर चीज़ को आपको उनके तरीके से करना चाहिए। शायद ये सारी बातें सुन के आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हैं, क्योंकि फाइव ऑफ नाइव्स के साथ मैं देख रही हूँ आप टायर्ड हैं, पर सच ये है कि ये पर्सन आपको सिर्फ ये महसूस करवा रहा है कि आपके अंदर पावर नहीं है मूव ऑन करने की, या आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, कोई और आपको अच्छा नहीं लग सकता या किसी और को आप अच्छे नहीं लग सकते। पर सच ये है कि आपकी पावर आपके पास है। ये नाइफ देख रहे हैं आप, ये नाइफ हमेशा से आपके पास थी और आपके पास है। ये अपने आप को डिफेंड करने के बारे में है, दूसरों को हर्ट करने के बारे में नहीं। ये नाइफ आपको डिफेंड करेगी। और टेन ऑफ स्कल्स आपसे ये कह रहा है कि आपके लिए जो कुछ भी इस पॉइंट पे हो रहा है वो पॉजिटिव वे में ही हो रहा है। ओके, क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड है ये बहुत पेनफुल हो सकता है आपके लिए। एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि सब कुछ एंड हो गया, कुछ चेंज नहीं कर पाए आप हार गए हैं। ये पर्सन कभी भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं था, इन्हें कभी भी आपसे प्यार था ही नहीं, यहाँ कोई कनेक्शन था ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एट ऑफ ग्रेल्स देख रहे हैं। आपकी पावर रिज्यूम करते ही इस पर्सन को ये एहसास होगा कि वो कितने हेल्पलेस हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इमेच्योर और केयरलेस है और हर चीज के लिए आप पर ही डिपेंड करता था। आप ही इनके हर तरीके की नीड्स या डिजायर को फुलफिल करते थे। अब ये कप एम्प्टी है जिसमें हमेशा बहुत सारा प्यार और अटेंशन था। इस पर्सन को लग रहा है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये एक्ट नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं किया जा सकता इस सिचुएशन में। पर ये पर्सन फिर भी आपसे कुछ ज्यादा जाहिर नहीं करेगा इस वीक में, क्योंकि आप डॉटर ऑफ स्कल्स की तरह नजर आ रहे हैं। डॉटर ऑफ स्कल्स का मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, और उन्हें पता है कि अगर सही फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो आप वो ले सकते हैं। इसीलिए शायद ये पर्सन इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट करना चाहता है आपके दिमाग में,
आप हेल्पलेस हैं और आपको उनकी जरूरत है. ओके शायद इस पर्सन ने आपको ये बिलीव करवाया कि आपको उनकी जरूरत है. ओके सिक्स ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है. सिक्स ऑफ सेप्टर्स के कार्ड का मतलब है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें आप डेफिनेटली विक्टोरियस होके निकलेंगे, जीत के निकलेंगे. और इस बात से इस पर्सन को थोड़ी हैरानी जरूर हो रही है. इन्हें लगा था कि आप इन पे इतने इमोशनल इंडिपेंडेंट हैं कि कभी जागेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लग रहा है बहुत टायर्ड है. पर जो बात उन्हें नहीं पता वो ये कि एक बार आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं. तो क्या चूज करना है ये सबसे बड़ा स्टेप है. उसके बाद चीजें कितनी भी टफ हो, यू नो, हम वो स्ट्रगल्स कर ही सकते हैं. और फिर स्ट्रेंथ आपके साथ है. कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Daughter of Knives, the World, Prince of Scepters, and Four of Skulls. Okay, तो हमारे पास है Daughter of Knives. इस person को ये लग रहा है कि अब आपने अपनी strength को पहचान लिया है. Situation का control आपके पास. यहाँ देख रहे हैं आप Five of Knives और फिर Daughter of Knives. फाइव नाइफ्स का मतलब है कि आप पहले सोए हुए थे, आपके पास ये नाइफ थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, पर आप इसे यूज नहीं कर रहे थे. और अब डॉटर ऑफ नाइफ्स का मतलब ये है कि आप रेडी हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अब आपको कोई चीज हार्म नहीं कर सकती. द वर्ल्ड के कार्ड के साथ लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपको हार्म कर रहा है एंड आपने अनलोइंगली उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, या शायद आपको पता नहीं था कि आपको आगे ऐसे कोई चैलेंजेस मिल सकते हैं. क्योंकि द वर्ल्ड के साथ आप इस स्नेक को देख रहे हैं. इस स्नेक का पॉइजन जो है शायद आपको पूरी तरह से हेल्पलेस बना रहा है. आप अभी तक इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, आप अभी तक इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, एंड अब वक्त आ गया है कि आप ये रियलाइज करें कि यू नो, इस टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करना आपके लिए जरूरी नहीं है. आप किसी भी हालात में मजबूर नहीं है. प्रिंस ऑफ सेप्टर्स का मतलब है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन थोड़ा सा यू नो नेग्लिजेंट जरूर हो सकता है इस पॉइंट पे, पर जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा कि आप कुछ और सोच रहे हैं या इस रिलेशनशिप के बारे में आप सेकेंड थॉट्स दे रहे हैं कि क्या आपको यहाँ होना चाहिए या नहीं, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने लगेगा. फोर ऑफ स्कल्स देख रहे हैं, ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपको गार्ड करने की कोशिश करेंगे. ये लगता है कि आप बिलोंग करते हैं इनको और ये आपको लूज नहीं कर सकते किसी भी हालात में. तो यू नो, बहुत अजीब सी चीज आप देखेंगे. जब तक आप हेल्पलेस हैं ये पर्सन शायद आपको ऐसा ही फील करवाता रहेगा. एंड एक बार अगर आपने अपनी पावर गेन की तो ये पर्सन ये कोशिश करेगा कि आप इस रिलेशनशिप में रुक जाएं और उन्हें अकेला छोड़ के ना जाए. ये आप एक बहुत वियर्ड सी चीज नोट कर सकते हैं इनके बिहेवियर में इस वीक में. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल कार्ड क्या है. Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपने अंदर की सेंसिटिविटी को ऑनर करने की, एंड आपको जरूरत है खुद को रिचार्ज करने की और हील करने की. आपको जरूरत है
अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करने की। आपकी जो लाइट है वो आपके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पे कई लोग डिपेंडेंट है, आपकी खुशियों से बहुत सारे लोगों की खुशियां जुड़ी हुई हैं, एंड बहुत सारे लोग आपको खुश देख के खुश होते हैं, उनके बारे में सोचिए। एंड पॉजिटिविटी को एकोमोडेट करने के लिए जगह बनाइए अपने लाइफ में नेगेटिविटी को आउट करके। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।